तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एलिगेंट क्लासी होम डेकोर DIYs। तो चलिए देखते हैं आज मैंने आपके साथ क्या शेयर किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BZB। तो अभी रिसेंटली मुझे क्राफ्टोलॉगर से ये कुछ प्यारे प्यारे आइटम्स रिसीव हुए हैं, तो इसी के DIYs मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र बॉक्स, इसको आप एज अ ज्वेलरी बॉक्स, स्टेशनरी बॉक्स कैसे भी रख सकते हैं। क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छी है। ऊपर का जो ये टाइल वाला फ्लैप है ये अलग हो जाता है, सो दैट कि अगर आप चाहें तो इसको स्टिक कर सकते हैं, या फिर अंदर की तरफ आप कोई और डिज़ाइन रख सकते हैं एंड बाहर आप इस टाइल्स को लगा सकते हैं। तो बातों बातों में मैंने जैसो अप्लाई कर दिया, जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया तब मैंने यहाँ पे वाइट चॉक पेंट यूज़ किया। उसके बाद मैंने ये तीन शेड्स यहाँ पे यूज़ किया एंड इसी से मैं अपने इस पूरे लेआउट को पेंट करने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं येलो एंड ब्लू यूज़ करूँगी जो कि टिपिकल कलर है, बट फिर मैंने सोचा यार वो तो वैसा ही लगेगा, वही कॉमन डिज़ाइन लगेगा, तो क्यों ना कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया जाए। एंड फिर मैंने ये तीन शेड्स ट्राई किए एंड ये इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो तीन शेड्स मैंने यूज़ किए थे उसी से मैच करते हुए मैंने बाकी बॉक्स को भी कम्प्लीटली पेंट कर लिया है। ऊपर का पोर्शन मैंने ग्रीन कर दिया, नीचे मैंने रेड कर दिया एंड अंदर की तरफ मैंने ब्लू कलर से कम्प्लीटली इसको पेंट कर दिया है। जब सब कुछ हो गया तब लास्ट में मैंने लोकल से जाके ये उसी साइज़ का एक मिरर कट करवाया एंड ऊपर की तरफ, मतलब अंदर, मैंने ऊपर के फ्लैप की तरफ इसको स्टिक कर दिया है। एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं इसको एक ज्वेलरी बॉक्स बनाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी एक साथ अरेंज हो जाएंगी। अभी तक तो मैंने इसमें सिर्फ स्टेंसिल्स रखे हैं, बट आगे जाके मैं इसमें अपनी ज्वेलरीज रखने वाली हूँ। तब चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे एक मेरे पास ये लैम्प शेड था, इसके ऊपर का जो कवर था वो मैंने हटा दिया क्योंकि उसका प्रिंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बाद अच्छे से इसको मैंने क्लीन कर लिया है, सैंडिंग करने के बाद मैंने इसको वाइट स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया है। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, हार्डली आपको 15-20 मिनट्स लगते हैं एंड ये अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा तब मैं इस पर मैक्रम थ्रेड जो होता है, मैक्रम रोप होता है जो, उसको यूज़ करके इसको पूरा मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। काफ़ी सिंपल एंड एलिगेंट रखने वाली हूँ मैं, कोई भी तामझाम नहीं करने वाली इसमें। सिंपल सा यहाँ पे फर्स्ट जो सिरा है उसको मैंने ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर दिया है। उसके बाद इसको मैं इस तरीके से रैप करती जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, बेसिकली ऊपर का जो हिस्सा है, जो पोर्शन है रिंग का, वो छोटा है, नीचे का जो रिंग है वो बड़ा है। तो इसके लिए आपको इस स्पेस को कवर अप कैसे करना है, तो इसके लिए आपको नीचे एक बार एक्स्ट्रा राउंड आपको रैप करना है, उसके बाद आपको ऊपर लेना है लाइक दिस। तो इस तरीके से हम अपने इस पूरे शेड को कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद जो लास्ट का सिरा है उसको स्टिक कर देंगे। अब लैम्प शेड तो बन गया, अब बनाते हैं एक लैम्प। तो ये मेरे पास एक मेटल का बॉक्स था, ये बहुत टाइम से मैंने रखा हुआ है, चार पाँच साल से मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा बनाऊंगी, उसी चक्कर में ये आज तक रखा हुआ था। अब लैम्प का बेस हम इसी से बनाने वाले हैं, तो क्योंकि ऊपर लैम्प शेड लगाना है एंड वायर्स वगैरह सब वहीं से जाएंगी, तो जिसका लिड था उसके ऊपर हमने एक होल कर लिया है एंड जो डब्बा है उसके पीछे बॉटम की तरफ भी एक होल हम कर देंगे जहाँ से वायर हम पास करेंगे। उसके बाद मैंने जेसो का एक कोट अप्लाई किया है, उसके बाद जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है तब मैंने यहाँ पे बटर मिल्क शेड का चॉक पेंट यूज़ किया है एंड उसके बाद ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन वाला एक न्यूली लॉन्च्ड इट्सी-बिट्सी का नैपकिन पेपर है, उसको यूज़ करके मैं इसको यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। मुझे बहुत सारा कलर यूज़ नहीं करना था, बहुत ही मिनिमल रखना था, इसलिए मैंने जो लैम्प शेड था उसको भी सिंगल कलर में उस तरीके से किया है एंड यहाँ पे ये ऑफ वाइट कलर का ही है इसका जो बेस है, तो उसी को यूज़ करके मैं इसको कम्प्लीटली स्टिक कर दूंगी। थोड़ा सा लास्ट में बच गया था तो ऊपर जो एक्स्ट्रा हिस्सा था उसको मैं यहाँ पे कट करके पीछे की तरफ स्टिक कर दूंगी, क्योंकि अब लेंथ और विड्थ तो सेम नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो बच गया था उसको स्टिक कर दिया एंड ऊपर अगेन हम एक मॉड पॉज का लेयर अप्लाई करेंगे एंड जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम वार्निश का भी एक कोट करेंगे। तो मैं सारे जो भी सप्लाईज मैंने यूज़ किया इन सब का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप क्राफ्टोलॉगर या इट्सी-बिट्सी कहीं से भी कुछ परचेस करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू5 यूज़ करते हैं। तो सारे डिटेल्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं।
तो अब ये सब हो गया है, अब हमको फाइनली इसको सेट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो ब्रास की होल्डर होती है इसका यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो बेस है वो काफ़ी छोटा है। जो प्लास्टिक वाला आता है वॉल के लिए वो थोड़ा बड़ा होता है, इसके ऊपर अच्छे से सेट नहीं होता एंड वो दिखाई भी देता। तो इसको कहते हैं आई गेस बटन होल्डर, ब्रास बटन होल्डर। अगर आप लोकल शॉप में बोलेंगे तो आपको ईजिली वो दे देंगे, और इफ़ इन केस वो नहीं समझ रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो और छोटे छोटे होल हम करेंगे सो दैट कि जो ये बटन होल्डर है इसको हम वहाँ पे अच्छे से फिक्स कर सकें। तो यहाँ पे जो बेसिक सप्लाईज़ है वो है एक ब्रास बटन होल्डर, एक प्लग, वायर, आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसके बाद ये नट बोल्ट। तो इतनी चीज़ों के साथ हम अब अपने लैंप को बना लेंगे। अच्छा, बटन होल्डर में वायर थोड़ी डिफरेंट तरीके से लगती है, तो आप या तो किसी लोकल इलेक्ट्रीशियन की हेल्प ले लीजिए, या फिर जिस शॉप से आप ये ख़रीदते हैं वहाँ पर आप बोलिए कि वायर आपको वो लगा कर ही दे देंगे, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब हम इसको अच्छे से सब कुछ असेंबल कर देंगे एंड देखिए कितना ही प्यारा एक लैंप मेरा रेडी है। थर्ड DIY के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये झरोखा कटआउट, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर एंड ये 3D है। लाइक इसके अंदर आप चाहें तो कोई छोटी जो स्टैचूज़ वगैरह होती हैं, फिगरेंस वगैरह, वो रख सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड जो टी लाइट होते हैं उनको आप रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो बेसिक हमने यहाँ पे कर लिया, जैसो अप्लाई कर दिया, उसके बाद ये प्यारा सा स्टेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ एंड उसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे टेक्सचर पेस्ट यूज़ किया है, दैट इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी। आप कोई भी डिज़ाइन पैटर्न बना सकते हैं, जैसा कि मैं कहती हूँ ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने बनाया है आपको सेम बनाना है। जो भी सप्लाईज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए। बिल्कुल भी मैं आपको ये नहीं बोलती कि मैंने अगर 1000 रुपये का सामान ख़रीदा है तो बिल्कुल सेम आप वो सारी चीज़ें खरीदिए, खर्चा करिए, एक्स्ट्रा बर्डन बनाइए, बिल्कुल नहीं कहती। आइडियाज़ मिलते हैं कि चलो ठीक है इन्होंने ऐसे बनाया है, मेरे पास क्या है तो मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ बनाती हूँ। तो मेरे पास जो भी सामान रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाले ने सारी चीज़ें यूज़ की वही चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करके इसको बनाएं। अच्छा, इससे एक और बात याद आई, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि आपने रेडीमेड मटेरियल्स यूज़ किया है। वेल, वेस्ट मटेरियल से भी रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है तो वो आप चेक कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ सस्टेनेबल चाहिए होता है, कुछ रेडीमेड आइटम से बनी हुई चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी मुझे वीडियोज़ बनाना है एंड जिनको वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड चाहिए उनके लिए भी मुझे वीडियोज़ बनाना है। तो मैं सबके लिए मिक्स बनाती हूँ, तो आप बस चेकआउट करते रहिए, आपके हिसाब से कुछ ना कुछ DIY आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इस बातों बातों में हमारा 3rd DIY भी कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं अपने 4th DIY की तरफ। तो यहाँ पे एक मैंने सबसे पहले MDF बेस ले लिया है, उस पर जेसो अप्लाई करने के बाद ये डेकोपाज पेपर यूज़ करके मैं यहाँ पे कुछ बनाने वाली हूँ। तो बेसिकली ये एक ऑर्डर है, ये मैंने एक ऑर्डर के लिए बनाया था, तो मैंने सोचा कि जब बना ही रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसको मॉडपॉज ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। एंड आपको क्या करना है, हाफ हाफ पेपर में लगाना है, कम्प्लीटली एक बार में पूरा ग्लू आपको सरफेस पे नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप लगाइए एंड अच्छे से आप इसको स्टिक करिए। जब ये स्टिक हो जाएगा तब उसके बाद आपको ऊपर भी मॉड पॉज का एक लेयर अप्लाई करना है। एंड उसके बाद अगर 3D आर्टवर्क करना है, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किया है। उसके बाद मेरे पास थोड़े से वो स्टोन चेन वगैरह थे तो उन सबको भी यूज़ करके मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन किया है, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो यहाँ पे बेस रेडी हो जाने के बाद जो ऊपर झरोखा का कटआउट मुझे यूज़ करना है उस पर मैंने मिरर्स स्टिक किए हैं। 3-4 साइज़ के मिरर्स थे मेरे पास तो उनको ही यूज़ करके मैंने उनको पूरा डेकोरेट किया है। जैसा कि मैंने बोला कि ऑर्डर ही यही था, उनको बाहर की तरफ मिरर्स चाहिए थे, तो इस तरीके से मैंने उसको कम्प्लीटली स्टिक कर दिया एंड जो बॉर्डर था उसको भी मैचिंग कलर से पेंट कर लिया है। उसके बाद मैंने ये अपनी तरफ से एक एडिशन किया है, लाइक छोटा सा एक लोटस कटआउट था मेरे पास, उसको मैंने अच्छे से पेंट कर लिया है, एक्रेलिक कलर ही यूज़ किया है यहाँ पे। एंड उसके बाद इसको मैं कॉर्नर में स्टिक करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइट एंड रेड मिक्स करके अच्छे से इसको पेंट कर लिया है, आउटलाइन मैंने रेड कलर से दे दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इफ़ इन केस आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। बट बाय से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।